इस वक्त सेंधवा से एक बड़ी खबर ये, सेंधवा के पास उमरिया पानी में एक तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए के चारों पंजे काट के ले गए हैं। ज्यादा जानकारी के बाद कहते हैं हमारे संवाददाता संदीप कुशवाहा से। संदीप बताएं क्या है पूरा घटनाक्रम। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये वन विभाग के उमरिया पानी गाँव है जहाँ पर खाई में शव मिला है तेंदुए का, जिसका शिकार किया गया है। तेंदुए के चारों पंजे काट कर ले गए है, जबड़ा भी काट कर ले गए है इसका, और पूंछ भी काटी हुई है। और ये जो तेंदुए का शव है छत विछत अवस्था में करीब 1.5 किलोमीटर नीचे गहरी खाई में एक झाड़ियों के वहां पर मिला हुआ है। कल से वन विभाग को सूचना थी तेंदुआ पड़े होने की, बट अभी तक कोई भी वन विभाग अमला मौके पर नहीं गया है। पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं और अधिकारियों का रास्ता देखने की बात कह रहे हैं। जी इस वक्त मौके पर क्या गाँव वालों से बात हुई, क्या कहना है अधिकारी जो कर्मचारी मौके पर, वो क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ग्रामीणों की लगभग भीड़ यहाँ पर मौजूद है। जो मौके पर डिप्टी रेंजर और वन रक्षक है वो कह रहे हैं कि अधिकारी आ रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं। मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, कल से सूचना है, उसके बाद भी ये पहाड़ी के ऊपर ही है, और यहाँ तक कि वन रक्षक के द्वारा अन्य लोगों को सूचना दे दी गई है, फोटो बता रहे हैं, बट नीचे मौके पर नहीं गए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। संदीप जी हमें बता रहे थे कि उमरिया पानी में एक तेंदुए का शव मिला है और शव शत विक्षिप्त हालत में है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। पहाड़ के ऊपर कर्मचारी वन विभाग के मौजूद है, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि नीचे अंदर खाई में जाकर तेंदुए की हालत को देखें और स्थिति को समझे, क्योंकि वो लगातार आला अधिकारियों आने की बात कर रहे हैं।